हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य रमन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एडी रमन में। आज मैं आपको बताऊंगा इंजेक्शन एक मिनट में कैसे लगाना सीखें। तो आप भी सीख सकते हैं इंजेक्शन नस में देना एक मिनट में। चलिए दोस्तों, मैं आपको अभी एक इंजेक्शन देके दिखाऊंगा। तो मैंने ले लिया है इंजेक्शन में एमिकासिन। ये एंटीबायोटिक है जो कि यूटीआई इन्फेक्शन को किल करती है। उसके बाद मैं स्प्रिट ले लिया, उसके बाद कॉटन ले लिया, उसके बाद टूनिकेटर ले लिया। चलिए अब मैं एमिकासिन इंजेक्शन को लोड कर लेता हूँ सिरिंज में। चलिए दोस्तों, मैंने लोड कर लिया है। अब मैं इसका जो एयर होते हैं इसके अंदर, मैं सारी एयर को बाहर निकाल दूँ। जो भी इसमें फंसे एयर थे दोस्तों, मैंने सारे एयर को बाहर निकाल दिया है। अब इसमें कोई भी एयर नहीं बचा है। तो दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, कि मैंने जो नीडल से इंजेक्शन को लोड किया है, वो नीडल से मैं इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं नस में दोस्तों, क्योंकि उसका जो आगे वाला नोक होता है वो मुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो उसकी जो धार होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो दोस्तों, चलिए मैं नीडल को चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। तो मैंने नीडल को चेंज कर लिया और मैं एक बार फिर से एयर चेक कर लेता हूँ इसमें एयर है कि नहीं। तो मैंने दोस्तों एयर चेक कर लिया, इसमें जरा सा भी एयर नहीं बची है। अब चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ नस में इंजेक्शन देके। तो दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, जो इंजेक्शन हमें देनी है नस में, वो सारे आर्टिकल्स को इंजेक्शन देने से पहले एक जगह कर लें, ताकि मुझे इंजेक्शन देने टाइम कोई भी चीज़ की कमी ना हो, कोई भी चीज़ ढूंढनी ना पड़े। इसलिए इंजेक्शन देने से पहले जो भी इंजेक्शन देने का प्रोसीजर है, सारे को एक जगह कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम आपको रिस्ट जॉइंट के नीचे इंजेक्शन देके दिखाता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन देना। तो दोस्तों, इंजेक्शन देने से पहले रिस्ट जॉइंट के दो उंगली ऊपर टूनिकेटर से अच्छी तरह से बांध लें, ताकि मुझे नस अच्छी तरह से क्लियरली दिखाई दे। तो दोस्तों, टूनिकेटर हम इसलिए बांधते हैं ताकि मुझे वेन अच्छी तरह से दिखाई पड़े। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बांध दिया है टूनिकेटर, तो आप देख सकते हैं कि वेन मुझे अच्छी तरह से दिखाई भी पड़ रही है। अब हम स्प्रिट और कॉटन से उस एरिया को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, जिस एरिया में हम इंजेक्शन उनको देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कॉटन और स्प्रिट से अच्छी तरह से साफ कर लिया है और यहाँ की जो माइक्रोबैक्टीरिया है वो किल हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इंजेक्शन इंजेक्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, याद रखिए, इंजेक्शन इंजेक्ट करने से पहले हम अपने सिरिंज को 15 डिग्री के एंगल पे रख लेंगे। तो दोस्तों, देख लीजिए कि मैंने अच्छी तरह से 15 डिग्री का एंगल बना लिया है। अब मैं नीडल के आगे वाले हिस्से को स्लोली से पुश करने जा रहा हूँ वेन में, वेन के अंदर मैं उनको डालने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने उनके अंदर डाल दिया है। अब देख सकते हैं, आपको अनुभव भी हो जाएगी कि मैंने जब इंजेक्शन को इंजेक्ट किया है वेन के अंदर, तो हल्की सी ब्लड आ जाती है दोस्तों। तो वो ब्लड कंफर्म करने के लिए दोस्तों, हमें पिस्टन से एक बार पीछे खींचना पड़ता है दोस्तों। एक बार हम पिस्टन पीछे करके देखते हैं दोस्तों। तो पिस्टन पीछे करने के बाद दोस्तों, देखिए कि इंजेक्शन में जो ब्लड जो हमारे सिरिंज में है, जो हमारे सिरिंज में जो ब्लड है वो अच्छी तरह से आ गई है, वो हमें दिख रही है दोस्तों। तो मैं कंफर्म हो गया कि ये जो इंजेक्शन है, ये जो नीडल है, ये हमारी वेन के अंदर अच्छी तरह से चला गया है। तो मैं कंफर्म हो चुका हूँ दोस्तों कि ये वेन के अंदर चला गया है। अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी इंजेक्शन पुश करने में। तो दोस्तों, ध्यान रहे, इंजेक्शन पुश करने से पहले टूनिकेटर को खोल लें, ताकि मैं पुश कर सकूं दोस्तों। दोस्तों, टूनिकेटर बांधने की ज़रूरत इसलिए होती है दोस्तों, ताकि मुझे वेन जो है वो क्लियरली दिखाई पड़े दोस्तों, वो अच्छे से दिखाई पड़े। जब मैं इंजेक्शन को पुश करूंगा दोस्तों, तो ध्यान रखें टूनिकेटर को खोल लें। पुश करने से पहले टूनिकेटर को खोल लें, क्योंकि टूनिकेटर बांधने से वहाँ की वेन ब्लॉक हो जाती है। अगर टूनिकेटर बांधने में ही हम पुश करते हैं तो मेडिसिन पास नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, मैंने खोल लिया है और मैं स्लोली सिरिंज से पुश करेंगे, एकदम स्लोली सिरिंज को पुश करेंगे, ताकि मेडिसिन अंदर जा सके। तो दोस्तों, सारी दवाई अंदर चली गई है। अब दोस्तों, निकालने समय कॉटन को इस नीडल पर रख देना है और पीछे की ओर खींच लेना है। तो दोस्तों, आप देख लीजिए कि मैंने कॉटन को ढक दिया है और पीछे की ओर सिरिंज को खींच लिया है। मैंने सिरिंज को बाहर निकाल दिया है, वेन से मैंने उसे अलग कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इंजेक्शन नस में कैसे लगाया जाता है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये वीडियो को अपने दोस्तों में सेंड करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी घर बैठे सीख पाएं इंजेक्शन नस में कैसे दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।